राणा साहब, मौलाना का प्लान ए तो बज़ाहिर यही लगता है कि फेल हो गया, नाकामी हुई, बज़ाहिर इसके के साथ ही साथ उन्होंने अपने जो कारकुनान थे उनको भी राम कर लिया कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन समझने वाले को इस बात का इदराक इतना तो है कि इनका जो प्लान ए था वो कामयाब नहीं रहा। तो प्लान ए में नाकामी की वजह क्या जिसकी वजह से प्लान बी की जानिब बढ़ना पड़ा? प्लान बी में कौन कौन सी सियासी जमातें साथ हैं? साथ ये भी बात गर्दिश कर रही है कि प्लान बी के लिए इन्हें किसी सियासी जमात ने पैसे की भी ऑफर की है, वो किस मद में की गई? देखिए यार सर, एक तो बड़ी क्लियर बात है, बड़ी क्लियर बात है, मौलाना साहब जितनी मर्जी तकरीर करें, मौलाना साहब जो मर्जी कर ले, मौलाना साहब का प्लान ए मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ। मौलाना साहब ने इस्तीफ़ा लिए बगैर इस्लामाबाद से नहीं जाना था, मौलाना साहब इस्तीफ़ा लिए बगैर ही इस्लामाबाद से चले गए। मौलाना साहब किसी इंतहाबी तरामीम या किसी मामले में भी कुछ हासिल ना कर सके और इस्लामाबाद से उन्हें वापस जाना पड़ा। जब ये वापस किए तो उसके बाद प्लान बी के नज़रिए के मुताबिक इनका यही जहन था कि एक दिन दो दिन के धरने होंगे और धरनों के बाद शायद कोई मुज़ाकरात मज़ीद आगे बढ़े। और मैं आपको आज एक बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ बताऊँ कि मौलाना साहब के धरनों को अगर अभी तक पुलिस ने या इंतज़ामिया ने तंग नहीं किया, अगर अभी तक इनके धरनों की पे गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, अगर अभी तक इनके धरनों की को रोकने की कोशिश नहीं की गई, तो मेरे ज़रा इस बात को कन्फर्म करते हैं कि मौलाना साहब जब प्लान बी के लिए गए तो उन्होंने एक सालसी को कहा कि अब हमें इज्जत के लिए प्लान बी में दो से चार या छः दिन के लिए ये धरने देने दें, और जब हम धरने देंगे तो धरने ये मुस्तकिल धरने नहीं होंगे। जबकि मौलाना साहब ने जो ऐलान किया था उस ऐलान के मुताबिक वो धरने होंगे हर शहर में और लोग बैठे रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लोग बैठते हैं बाद में रात में चले जाते हैं, लोग बैठते हैं कुछ देर बाद उठ के चले जाते हैं। ये भी एक अहम शख्सियत जो बतौर सहूलतकार या राबताकार काम कर रही थी, उनका सियासत में एक अच्छा अमल दखल है, उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि हमें प्लान बी में जाने दें, और प्लान बी में जब हम इस्लामाबाद से उठ के चले जाएंगे तो फिर शायद हमें हमारे जो मुज़ाकरात होंगे वो ऐसे हो कि हम अपने कारकुनों तक बहुत सी चीज़ें पहुँचा सकें। चले या सर जरूर बताएंगे, बल्कि सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो नाम सामने लेने से फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आना बंद हो जाती हैं। आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया हूँ, देखने वाले भी समझ गए। यासिर साहब, राणा साहब आपको नोटिस इशू करवाना चाहते हैं। और मौला यासर साहब, मुझे लगता है कोई ऐसी ही प्लानिंग कर रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, सुहेल भट्टी साहब ने भुगतना जाके, मैंने नहीं भुगतना। तो यासिर साहब, ये मामला तय थे, और इन मामलात के बाद अब मौलाना फजल रहमान ने आज से दो रोज़ कबल जिस वक्त इन्होंने अपने कंटेनर पे खड़े होकर ऐलान किया, तो ये ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ है कि इनकी मुस्लिम लीग नून के एक अहम शख्सियत के साथ राबता हुआ, और ये राबता तीन दफ़ा हुआ। अच्छा। और उस राबते में बकायदा फंडिंग का जिक्र किया गया, और फंडिंग के मामले में ये बकायदा कन्वे हुई बात कि आपके धरनों की जितने अखराज होंगे वो हम उठाएंगे। फिर वहां पर एक बात की गई कि क्या आपके कारकुन हमारे साथ होंगे, तो उन्होंने कहा जी हमारे कारकुन आपके साथ शामिल जरूर होंगे, मगर किसी के पास ना परचम होगा ना किसी के पास बैज लगा हुआ होगा, हम आपको माली और माली कुव्वत देंगे, माली सपोर्ट करेंगे, और अपनी जो अवामी कुव्वत है वो आपके ही लोगों की शक्ल में आपको देंगे, यानी हमारे अच्छा। कारकुन होंगे लेकिन आप क्यों आपके देखने में तो कुव्वत कोई बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। मैं उसी तरफ आ रहा। अब मौलाना साहब चूंकि पहले धरने में आपने सारा पाकिस्तान समेट के एक जगह बिठा दिया था, जब आप तकसीम दर तकसीम होकर बैठते हैं तो फिर तादाद तो असल वो पता चलती है। अब मौलाना साहब के पास किसी जगह भी एक बड़ी तादाद नहीं है। मौलाना साहब जो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कमक पहुंचेगी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बेशक उनके परचम ना हो उनके साथ आएंगे मौलाना साहब को, उस पर भी बड़ी मायूसी हुई। अब मौलाना साहब ने चूंकि छः दिन बाद रबता करना था या पाँच दिन बाद रबता करना था उन लोगों से कि जिनके जरिए उन्हें यह यकीन दहानी थी कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या मिल जाने का मतलब है कुछ यकीन दहानी हो जाएगी, कोई इन्हें एक महफूज रास्ता मिल जाएगा, इनकी अपनी जमात के अंदर एक पोजिशन बेहतर ही रहेगी। मगर अब मौलाना ने बजाय कि वो इनसे रबता करते, मैं आपको ये मुसदका बात कह रहा हूँ कि मौलाना साहब ने खुद ही उनसे रबता किया। अच्छा। और रबता करने के बाद फिर अपने सिलसिलों का रास्ता आगे बढ़ता गया।
اور مولانا صاحب جو ہیں چونکہ اب جو لوگ اس کو مسالت کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے واضح طور پر یہ تو نہ کہا کہ مولانا صاحب نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا، اور چلتا رہا ٹی وی پر کہ حکومت کی طرف سے باضابطہ طریقے سے مولانا صاحب سے رابطہ۔ دیکھیں پہلے رابطے ہوتے تھے رہبر کمیٹی سے، پہلے رہبر کمیٹی ورسز حکومتی کمیٹی، اب جب مولانا خود آگے اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا کی بے چینی آخری حد تک چلے گئی کہ میں خود جاؤں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان چیزوں کو سمیٹوں اس سے پہلے کہ پردہ اٹھ جائے اور کچھ بھی ان کے پلے نہ رہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب مولانا صاحب کو یہ پیغام چلا گیا ہے کہ مولانا صاحب 2 سے 3 دن یا میکسیمم 4 دن، یہ اتوار تک کا جو وقت ہے یا پیر، اس سے زیادہ آگے اگر آپ جائیں گے تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں صحیح آپ کے دھرنے کو کسی اور طریقے سے نپٹیں گے۔ یعنی یہ جو مہلت انہیں دی گئی، جو سہولت کاری انہیں دی گئی ہے، وہ 3 سے 4 دن کے لیے دی گئی ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، مہنگائی کے ستائے، جی 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 رانا صاحب، رانا صاحب، رانا صاحب کلوز کیجئے گا، بس بالکل میں نے کہہ رہا اتنا ہی ہے، اس کے بعد جو ہوگا لسٹیں تیار ہیں، ہر چیز موجود ہے، گرفتاریاں ہوں گی۔ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اب مولانا کا اس لیے ساتھ دیتے ہوئے بھی ڈر رہی ہے کہ دھرنوں کے سب خلاف ہیں وہ دھرنے جس سے راستے بند ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ اب تک 3 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اس کی کس کی وجہ سے؟ ان دھرنوں کی وجہ سے جو روڈ بلاک کی ہیں، ظاہری بات ہے روڈ بلاک ہوتی ہے، عوام کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جو بیرونی انویسٹرز ہیں انہیں بھی تحفظات ہوتے ہیں، منڈیوں میں سبزیاں نہیں پہنچتی، یہ گھر گھر میں بھی مسائل ہوتے ہیں، بے شک نہ وفاقی دارالحکومت میں ہی کیوں نہ جاری ہو، اس کا اثر پورے ملک پہ پڑتا ہے۔ اور یہ ماضی میں بھی ہمیں یہ حقائق دیکھنے کو ملے کہ جب دھرنا کسی ایک جگہ پہ جاری ہو تو بیرونی خدشات جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔